फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं किसको रिफ्रैक्शन एट ए ग्लास स्लैब को। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्रैक्शन किस पर, ग्लास स्लैब पर। कैसे ग्लास स्लैब से एक रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज उसके एंगल्स में क्या रिलेशंस होंगे और ये एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। देन यू कैन वेरीफाई दिस पार्ट एक्सपेरिमेंटली इन योर लैब। कैसे, उस चीज का प्रोसीजर हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे और कंटेंट को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस हम लेते हैं, दैट द थिकनेस ऑफ दैट ग्लास स्लैब इज टी। ये एक टी थिकनेस का ग्लास स्लैब है जिस पर कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है, यहाँ से। फाइन, इसके लिए आप क्या करोगे, दो पिन यहाँ पर ऐसे का लगाओगे इन पॉइंट्स पर, फिर एक डी यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, है ना। ये अगर एयर है आपका तो ये हमने ग्लास ले रखा है, दैट इज डेंसर मीडियम होगा रेदर देन एयर, दैट्स व्हाई दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब उसको डेंसर मीडियम में ट्रेवल करना है तो वो अपने पाथ को चेंज करेगा और नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, जब कोई रे रेयर से किस में जाता है, डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, बेंड। ये क्या आएगा फिर बेटा, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन लेते हैं। अब ये रे दोबारा से इस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद इसको क्या करना होगा, अपना पाथ चेंज करना होगा और फिर ये रेयर मीडियम में आएगा। तो अब की बार ये डेंसर से रेयर जाने की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। कहाँ होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे देखते हैं, देखो ये जैसे ये पार्ट है हमारा, है ना, दैट एंगल, अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। देखो ये अगर मैं आपके एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूं तो ये यहां पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ये वाली लाइन और ये दोनों पैरेलल होंगी क्योंकि नॉर्मल है। इट मीन ये इसके अल्टरनेट एंगल होंगे, दैट एंगल इज आर टू। अब ये बाहर जाएगा, यहां पर पिंस लगाओगे तो दैट एंगल इज एंगल ऑफ इमरजेंस। ई एंगल ले लो, दैट एंगल इज एंगल ऑफ इमरजेंस। इस रे का एक्चुअल पाथ ये था, दिस इज द पाथ ऑफ द रे। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इसको ऐसे जाना था, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से उसने अपने ओन पाथ से इतना डेविएट कर गया, दैट इज इतना डिस्टेंस उसने अपने आप को क्या कर लिया, डेविएट कर लिया। कहां से, अपने ओन पाथ से, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। That word is lateral shift। यहां से लेकर यहां तक एक आप ऐसे ले सकते हो, हमने A लिया, that is B, the C and D, और small distance D। Small distance is lateral shift, D is the lateral shift। अब हमको ये देखना है कि ये lateral shift है, that is ये जो distance है किस पे depend करती है और कैसे depend करती है, उस चीज को हम discuss करते हैं। तो first of all आप इस point पर Snell's law apply करो और इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, है ना। अप्लाई करके देखो, एट ए बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करो बेटा। पहले यूज करोगे दैट इज साइन आई ओवर साइन आर वन इक्वल टू होगा म्यू वन टू, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास के लिए। अब आपको इस पॉइंट पर भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, सी पर, एट सी, एट सी के लिए क्या आएगा बेटा, साइन आर टू ओवर साइन ई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये होगा कि नहीं। अब देखो R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल होने की वजह से, हमने कहा, बट R1 इज इक्वल टू किसके, R2 के, अल्टरनेट एंगल की वजह से। तो ये दोनों टर्म सेम होंगी, आप इन्हें मल्टीप्लाई करो,
तो क्या आएगा, देन साइन आई ओवर साइन आर वन इंटू साइन आर टू ओवर साइन ई इक्वल टू क्या आएगा, म्यू वन टू इंटू म्यू ऑफ टू वन के, है ना। देखो बटा भी हमने आपको डिस्कस किया था आर वन किसके इक्वल है, आर टू के, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, तो साइन आई ओवर साइन ई इक्वल टू म्यू वन टू इंटू किसके आएगा, म्यू ऑफ टू वन के इक्वल आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब इन दोनों में अगर देखेंगे इन आपस में रिलेशन, देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वन के इक्वल होता है, बट आपको ये डिस्कस किया था ना हमने कि म्यू वन टू और म्यू टू वन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो वन के इक्वल होता है। अगर वो वन के इक्वल होगा तो साइन आई अपॉन साइन ई शुड बी इक्वल टू वन, तो आई किसके इक्वल होना चाहिए, E के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होना चाहिए जब हम ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे या एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, देन यू गेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। जब आप ऐसा वेरीफाई करोगे देन दिस थियोरेटिकल पार्ट इज वेरीफाइड। अब इस एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास है लेटरल शिफ्ट। देखो ये लेटरल शिफ्ट क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो लेटरल शिफ्ट का मीनिंग होता है बेटा यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको किस किस के बीच लेना है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ये इमरजेंट रे और ये क्या है इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। अब ये किस पर डिपेंड करती है, तो लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स किस किस पर डिपेंड करेगी, देखो गौर से देखना, सिंपली समझ सकते हो, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है इस पर, है ना। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस जितना लार्ज होगा रे उतना ज्यादा लेटरली डिस्प्लेस होगी, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस कैरी होगा, दैट इज आप स्लैब इतना रखते हो इतना मोटा रखते हो उतना जितना स्लैब की थिकनेस आप बढ़ाते जाओगे आपका लेटरल शिफ्ट इंक्रीज करता जाएगा। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिपेंड्स करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की आपको थिकनेस जितना लार्ज रखोगे उस पर डिपेंड करेगा। बी किस पर डिपेंड करता है, आप सेकंड ये जितना एंगल आप ज्यादा रखोगे, दैट इज इस रे को आप ऐसे जितना ज्यादा नॉर्मल से जितना ज्यादा टिल्ट करते जाओगे जितना ज्यादा बेंड करते जाओगे उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, इट मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस की। दो पॉइंट्स तो ये हो गए हमारे जिन पर वो डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और थिकनेस पर। दो पॉइंट्स और लेते हैं, है ना, क्या पॉइंट लेते हैं, देखो एक तो है इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस पर भी डिपेंड करेगा। और एक और फैक्टर है जिस पर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करती है, क्या फैक्टर होता है, जिस रे को आप इंसिडेंट कर रहे हो उसका वेवलेंथ कितना है, जितना लार्ज वेवलेंथ होगा उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द किसके,
वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो आपको ये माइंड याद रखना है, वेव लेंथ पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पर डिपेंड करेगा, थिकनेस पर डिपेंड करेगा और एंगल पर डिपेंड करेगा। लर्न करने का सिंपल तरीका है, फर्स्ट थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कौन कौन? थिकनेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं।